आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जिले में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सुबह 7 बजे से मतगणना मतदान शुरू हो गया। घने कोहरे और सर्दी के बावजूद मत केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में लोग अपने अपने मत का प्रयोग किए। पश्चिमी यूपी में 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से लगातार लोग जो है वोट डाल रहे हैं बूथों पर जाके। आगरा में भी 9 जो विधानसभा सीट है उस पर भी जो है सुबह से ही लगातार वोटिंग शुरू हो गई है। हमारे साथ मनोज रावत जी हैं, एक्स प्रिंसिपल हैं आगरा कॉलेज से, वो लोग वोट डाल के भी आए, उनसे बात करेंगे। सर सर ये बताइए, सर आपने वोट डाला, पहले कैसा लग रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय से आप वोट डाल रहे हैं? सर देखिए, वोट डाल के हर व्यक्ति उत्साहित होता है, मैं स्वयं भी सपरिवार उत्साहित हूँ, क्योंकि ये सब हमारा अधिकार है, लोकतंत्र में व्यवस्था है, हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, तो वोट देने का भी हमें अधिकार है। और वोट देने से एक आप संतुष्टि मिलती है कि हम जिस व्यक्ति को आगे भेज रहे हैं विधानसभा में या अन्य इलेक्शंस में, लोकसभा में, पंचायत में, अपने क्षेत्रीय नगर निगमों में, तो एक मन को संतुष्टि होती है कि हमने अपनी चॉइस से अपना व्यक्ति चुना है। सर आप इतने वर्षों से सर एजुकेशन लाइन में हैं, सर अब जो नए वोटर आते हैं सर, उनके लिए सर कितने महत्वपूर्ण है सर ये चुनाव? सर देखिए, हमारा युवा जो है लोकतंत्र की नींव है, और उसको उत्साहित करना, उसे बताना कि तुम्हारे को वोट देना है, ये जागरूक करना अति आवश्यक है। सरकार के प्रयासों से पिछले कई वर्षों से मतदाता जागरूकता अभियान चले हैं, विद्यालयों में भी ये कार्यक्रम लगातार कराए गए हैं, मैंने स्वयं भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित इस तरह के किए हैं, और बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। 1 जनवरी को जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, उनका जब वोटर कार्ड बन जाता है, तो वो सबसे प्रथम वोट डालने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होती है, देश के प्रति सोचते हैं कि हमको किसे वोट देना है, क्यों देना है, क्या कार्य पद्धति है संसद की, हमारी विधानसभाओं की, ये सब उनके अंदर जागृत होता है। विनोद रावत जी, अक्सर देखा जाता है कि लोग जो जिस क्षेत्र में जो इलेक्शन होते हैं उस दिन मतलब छुट्टी होती है, उस दिन आदमी वोट ना डाल के उस दिन पूरा दिन हॉलीडे बनाता है, ये मतलब हमने अक्सर देखा है। और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ा लिखा वर्ग जो सबसे ज़्यादा सरकार की आलोचना करता है, कहता है कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पर वो खुद ही वोट डालने के लिए नहीं जाता है, तो सर ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो अभी तक वोट डालने नहीं गए? सर देखिए, मुझे लगता है कि ये तो लोगों की गलती है, छुट्टी ये एक सार्वजनिक अवकाश केवल इस कार्य के लिए कि आप लोकतंत्र में भागीदारी अपनी करें, परंतु कुछ लोग अगर जाना भी चाहते हैं तो उनको अपने शहर में ही प्रोग्राम बनाना चाहिए और वोट दे करके इसके बाद जाना चाहिए। मेरे कई साथी मित्र अभी मैंने आज देखा, वो लोग कि धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं, लेकिन वो 7:30 बजे अपना वोट डाल करके इसके बाहर निकले हैं, तो ये जागरूकता प्रदर्शित करता है कि अपना कार्य भी करें और साथ में पर्यटन भी करें। लेकिन अधिकतर लोगों को ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे साल के 365 दिन में एक दिन अगर हम दे रहे हैं, तो इस कार्य में पूरा दिन हमको तन मन धन से देना चाहिए, जिससे कि हम अपने लोकतंत्र में अच्छी तरह से भागीदारी कर सकें, अपना व्यक्ति चुन सकें, जिससे हमको ये न लगे कि हमने अमुक व्यक्ति को हमें चुनना था, हमारे वोट न देने से वो हार गया। एक एक वोट की कीमत है, जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि एक वोट से सरकारें बन जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वोट से जो है सरकारें बदल जाती हैं, एक नंबर अगर आप स्कूल लाइन में आकर एक नंबर से फेल भी हो जाते हैं लोग जो। सही सर आपने बिल्कुल कहा। पर सर ये बताइए, सर बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हम वोट डालने क्यों जाएं, हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक वोट हम नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सर बड़ी सबसे बड़ी भ्रांति आज के समाज में, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो महापर्व है सर चुनाव ही है, अगर इसमें आप भागीदार ना बने तो कैसा मतलब महसूस करेंगे उसके लिए लोग? देखिए, भागीदारी व्यक्ति को अपनी समझ से होती है, जब तक वो जिम्मेदारी महसूस नहीं करेगा हम एहसास जिम्मेदारी का नहीं करा सकते हैं। परंतु मुझे लगता है आगे आने वाले समय में जिस तरह से डिजिटाइजेशन हो रहा है, ये भी चीज़ सुनिश्चित आगे होने लगेगी किस व्यक्ति ने वोट डाला, किसने नहीं डाला। और मैं समझता हूँ जिस तरह देश में डिजिटाइजेशन हो रहा है, तकनीक का उपयोग हो रहा है, ये समय भी आ जाएगा कि व्यक्ति जो असहाय है, असमर्थ है, अस्पताल में है, कोई और दिक्कत है, देश से बाहर है, वो वोट नहीं डाल पाए, लेकिन जो देश के अंदर हैं और सक्षम हैं, दिमागी रूप से दुरुस्त हैं, उनको वोट डालना चाहिए। और ये टेक्नोलॉजी का उपयोग आगे आने समय में करना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति की भागीदारी हो, जिससे वो ये न कहे सा मेरे क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ, वोट मैंने नहीं दिया था,
उसको अपना कार्य कराने के लिए ये भी सोचना चाहिए कि मैंने वोट दिया है तो मेरा अधिकार है कि मैं अब अपने जनप्रतिनिधि से कुछ कह सकता हूँ। बिना वोट दिए उसको कहने का कोई अधिकार मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं, रावत जी आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब जैसे समाज बदल रहा है, जैसे टेक्निक आ रही है, उस हिसाब से हमें खुद भी बदलना होगा। बस सर, हम देखते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, अमेरिका में मतलब कुछ मतलब आपको दोनों ही तरीके से राइट्स हैं, आप ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, ऑफलाइन भी उसको भागीदारी कर सकते हैं। जैसे कि सभी सर कोविड काल में जैसे कि वैक्सीनेशन का इतना बड़ा मुहिम चला, सब ऑनलाइन था, सब सिस्टम से हुआ, तो ऐसा भविष्य में होना चाहिए कि कम से कम लोग ऑनलाइन जो है मतलब वोट डाल सकें। सपोज़ करो कोई वर्किंग पे है, कहीं नहीं पहुंच पा रहा, कोई बुज़ुर्ग आदमी है, वो अपनी बीमारी के कारण अब घर से बाहर बूथ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो अपने घर बैठे ही मतलब वोट डाले। वो जो है ऐसे प्रावधान आएंगे तो कहीं ना कहीं से जो वोटिंग परसेंटेज जैसे कि 50-55-60 तक आज मैक्सिमम 70 तक पहुँच पाता है, तो कहीं ना कहीं उस पर फ़र्क पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। और जो अपनी यहाँ व्यवस्था जो पोस्टल बैलेट की है, ऐसे लोगों के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो लोग व्यक्ति शहर से बाहर जाना चाहते हैं उस दिन अवेलेबल नहीं है, उनका इस तरह की व्यवस्था चूँकि अपने यहाँ चल रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में ये ऑनलाइन में परिवर्तित हो जाएगी। और ऑनलाइन परिवर्तन होते ही मैं समझता हूँ ये वोट प्रतिशत 55-60 के बीच में रहता है वो 80 तक आराम से पहुँच जाएगा, 85% तक पहुँच सकता है। और ये देर सवेर होना है क्योंकि इसमें मशीनरी में बहुत पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, और जब पूरी तरीके से हम डिजिटाइज हो जाएंगे तो हमें लगता है कि ऑनलाइन मोड भी इसमें आ जाना चाहिए, और उससे लोकतंत्र में अपने देश के नागरिकों की भागीदारी का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगा और लोगों को आसानी भी होगी। रावत जी ने बिल्कुल सही कहा कि मतलब जैसे समय की मांग है उसको देखते हुए ऑनलाइन वोटिंग का भी प्रावधान सरकार लाए आने वाले वक्त में, क्योंकि घर जो लोग वर्किंग होते हैं, जो लोग बहुत दूर दराज क्षेत्रों में होते हैं, अगर ऑनलाइन के माध्यम से वोट डालेंगे तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और आज जो मतदान जो चल रहा है उसके लिए लोग सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान का जो नारा है जिसको सरकार कह रही, जो हर पढ़ा लिखा वर्ग कह रहा है, ज़रूर अपनाना चाहिए। कैमरामैन राजीव के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।